हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, ये जो मेरा सीरीज है चल रहा है कि डेटा एंट्री कैसे करें, किस तरह से आसानी से आप कर सकते हैं, ये बहुत सारे ट्रिक के साथ फटाफट जल्दी जल्दी काम कर सकते हैं। तो मैंने कल जो है एक वीडियो अपलोड किया है, इसके पहले पार्ट वन, ये उसका दूसरा पार्ट है। अगर आप इससे पहले वो वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी डेटा एंट्री करने में। ठीक है, कोई भी अगर कहीं आप काम कर रहे हैं तो वीडियो देख लीजिएगा, तो आपको जो है ये वीडियो देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, उसका लिंक मैं डाल दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या डाल दूंगा आई बटन पे, वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने पिछले वीडियो में बहुत सारा चीज़ सिखाया था आपको, वहाँ देख लीजिएगा, उसके बाद से शुरू करते हैं। जिस तरीके फ्रेंड्स यहाँ देख रहे हैं, डेटा है बहुत सारा। मान लीजिए यहाँ पर डेटा अगर बड़ा हो गया, क्लास ऑफ स्टूडेंट, तो यहाँ फ्रेंड्स नाम क्या है कि नाम तो यहाँ पर छुप जा रहा है। तो कल मैंने बताया था कि इसको आप चाहे तो कॉलम को बढ़ा सकते हैं, चाहे घींच के डबल क्लिक करके, लेकिन हमको कॉलम को बढ़ाना नहीं है बल्कि इसी में हमको सेट करना है। तो क्या करेंगे हम, उसको सेलेक्ट करेंगे कॉलम को, और यहाँ पर करेंगे रैप टेक्स्ट। ये जो है ऑटोमेटिक यहाँ पर हो जाएगा क्लास ऑफ। इसको चाहे तो आप नीचे भी कर सकते हैं या थोड़ा सा इधर भी कर सकते हैं, यानी कि इसको बोलते हैं रैप टेक्स्ट। ठीक है, इसको चाहे तो आप पूरा भी सीधा कर सकते हैं, लेकिन आप चाहे नहीं, हमको इतना ही में ही चाहिए, तो रैप टेक्स्ट बोलते हैं इसको। कोई भी टेक्स्ट को नीचे ला देगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इस तरह से आप कोई भी जितने भी कॉलम चाहें उसको कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, मान लीजिए यहीं पर अगर नाम बहुत बड़ा है, चलिए नाम मान लीजिए बहुत बड़ा है, छुप रहा है, इसको हम करेंगे रैप टेक्स्ट। ये देखिए मेरा आ गया, इसको बोलते हैं रैप टेक्स्ट। ये सब जो है बहुत काम आने वाला है आपको डेटा एंट्री में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और फ्रेंड्स मान लीजिए नीचे में जो है इसको हटा दे रहे हैं, आपको बताएंगे इसका क्या यूज है। ये जो फ्रेंड्स देख रहे हैं आप कलर ग्रीन और रेड, ये क्यों किया है और किस तरह से किया है सब बताएंगे आगे वीडियो में, हमारे साथ आप बने रहिए। तो फ्रेंड्स इसको जो हटा दिए हम, तो इसको हटाए किस लिए हम बता रहे हैं आपको। मान लीजिए थोड़ा सा इसको हम कर लेते हैं यहाँ पर बॉर्डर, तो अच्छा लगेगा देखने में। मान लीजिए हमको यहाँ पर और भी डेटा एंट्री करना है, ठीक है, बहुत सारा करना है। तो आप जो है यहाँ पर देख रहे हैं, आपको दिख रहा है यहाँ पर नाम एंट्री करना है, यहाँ पर क्लास जो है एंट्री करना है, यहाँ पर सब्जेक्ट है मैथ इंग्लिश हिंदी, तो आप तो आसानी से कर दे रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा ऊपर कीजिएगा, जब डेटा और बढ़ेगा, मान लीजिए डेटा और बढ़ गया, तो आपको यहाँ एंट्री करना है, तो आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आपको यहाँ पर क्या एंट्री करना है, कहाँ पर नाम है, कहाँ पर क्या सब्जेक्ट है, क्या पता है। तो फ्रेंड्स उसके लिए क्या है, एक ज़बरदस्त ट्रिक है फ्रिज पेन। उसको हम क्या करेंगे देखिएगा, कि ये वाला जो हेडर है इसको हम क्या करेंगे फ्रिज कर देंगे, यानी हम जहाँ पर भी रहें हमको ये वाला हेडर हमेशा दिखता रहेगा, ताकि हम आसानी से एंट्री कर सकें। तो हम क्या करेंगे, हमको जो भी हेडर को करना है उसके नीचे वाले को करना है सिलेक्ट, और आना है आपको व्यू वाले टैब पे। ठीक है, ये सब क्या कराता है, टैब कराता है, फाइल होम इंसर्ट पेज लेआउट, इस तरह का आपको आना है व्यू पे, और यहाँ पर ऑप्शन होगा फ्रिज पेन्स, यहाँ पे क्लिक करना है आपको। यहाँ पर तीन ऑप्शन है, ठीक है, एक है फ्रिज पेंस जो कि मैंने अभी सिलेक्ट किया है, ये वाला हम करेंगे ऑप्शन। दूसरा है फ्रिज टॉप रो, अगर आप बिना कुछ सिलेक्ट किए हुए भी और ये वाला कीजिएगा तो ऑटोमेटिक जो आपका टॉप रो है वो फ्रिज हो जाएगा। ठीक है, और तीसरा है फ्रिज फर्स्ट कॉलम, आप चाहते हैं तो ये रो नहीं, ये कॉलम को सिर्फ करना है आपको फ्रिज, तो आपका कॉलम सेलेक्ट यानी ये फ्रिज हो जाएगा, क्योंकि आपको कभी कभी ये वाला भी फ्रिज का जरूरत पड़ सकता है। ठीक है, चलिए हम दिखाते हैं करके आपको फ्रिज पेन। मैंने यहाँ पर फ्रिज पेन लगा दिया है, तो फ्रेंड्स जब आप फ्रिज पेन लगाइएगा तो आपको एक अलग सा थोड़ा सा हल्का सा थिक में लाइट दिखेगा, यहाँ पर हल्का सा लाइट देखिए, नहीं आपको इसे पहचान है कि आपका हो चुका है। देखिए हम इसको ऊपर करते हैं, देखिए मैंने लॉक हो चुका है, इसको बोलते हैं फ्रिज, यानी कि आप जहाँ भी रहिएगा आप आसानी से एंट्री कर सकते हैं। क्यों, ये देखिए यहाँ पर दिख रहा है आपका, यहाँ पर डालना है नाम, यहाँ पर क्या है क्लास, इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर कौन सब्जेक्ट है, इन्हें आपको सारा कुछ दिखेगा। ये काम है फ्रिज पेन का, यानी आप रो या कॉलम कोई भी उसको फ्रिज कर सकते हैं, ताकि आगे एंट्री करने में सुविधा हो। ये बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक है, बहुत ही ज़्यादा आसानी होती है इसमें काम करने में। तो इस तरह से आप जो है इसको भी कर सकते हैं। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, आते हैं फ्रिज पेन पे और करते हैं फ्रिज फर्स्ट कॉलम। तो मेरा जो है फर्स्ट जो कॉलम है वो फ्रिज हो चुका है। मान लीजिए यहाँ पर बहुत सारा डेटा है आपको हम दिखा रहे हैं, क्योंकि हम अभी दिखाएंगे आपको इधर करके, तो आपको देखिएगा मेरा, देखिए
डेटा मेरा ये आगे बढ़ रहा है, लेकिन मेरा जो ये कॉलम है ये मेरा फ्रीज हो चुका है। इस तरह से क्या होगा कि आप कोई भी आसानी से देख सकते हैं, मान लीजिए डेटा बड़ा है तो आपको क्या करना है, कैसे करना है। अगर कॉलम में बहुत जरूरी चीज़ है तो आप आसानी से फ्रेंड्स कर सकते हैं। ज़बरदस्त ट्रिक है ये, ठीक है। इस तरह से आप फ्रीज पेन का यूज कर सकते हैं आसानी से, बहुत ज़बरदस्त ट्रिक है ये। तो ये दो चीज़ सीख ली आपने, रैप टेक्स्ट और फ्रीज पेंस, ठीक है। आप कॉलम या रो को आसानी से फ्रीज कर सकते हैं। अब देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर मान लीजिए हमको देना है यहाँ पर हेडिंग, तो हम एक रो को करते हैं इंसर्ट, मान दो करते हैं, और यहाँ पर हमको लिखना है कुछ, मान लीजिए तो लिखना है, मान लीजिए स्कूल स्टूडेंट डेटा, ठीक है, स्कूल स्टूडेंट डेटा। तो ये सब देखने में अच्छा ही लग रहा है, हमको इसको लाना है यहाँ सेंटर में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये मेरा एक सेल में है, ठीक है। ये सेल कौन सा है, ए टू सेल है, इसको बोलते हैं नेम बॉक्स, और इसको बोलते हैं फॉर्मूला बार, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही ये जो काम का चीज़ है। आप कोई भी फॉर्मूला टाइप कीजिएगा तो यहाँ पर वो शो होगा, ठीक है। तो ये जो है आपको लाना है बीच में, और इसको मान लीजिए करना है मर्ज, क्योंकि ये मेरा सब सेल अलग अलग है। तो हम यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, इसको करेंगे सेलेक्ट, क्योंकि फ्रेंड्स आप कोई भी काम करेंगे एक्सेल में तो पहले उसको करना है सेलेक्ट, तभी वो काम होगा। और यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है मैंने, अब आएंगे हम होम टैब में, तो यहाँ पर एक ऑप्शन है मर्ज एंड सेंटर, इस पर आप क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ पर देखिएगा ये सेल जितना भी था ये सब मर्ज हो चुका है, और मेरा जो डेटा है वो सेंटर में आ चुका है, ठीक है। आप चाहते हैं कि डेटा यहाँ से राइट में हो तो यहाँ से राइट कर सकते हैं, लेफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमको यहाँ पहले ही कर दिए हैं मर्ज एंड सेंटर, तो हम कर दिए हैं। दोबारा से इस पर क्लिक कीजिएगा, तो जिस तरह से आपका था पहले अनमर्ज उस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें फ्रेंड्स और बहुत सारे ऑप्शन है, क्या क्या देखते हैं। यहाँ पर जो है मर्ज एंड सेंटर तो मैंने देख लिया, अब है मर्ज एक्रॉस, इसका मतलब क्या है देखते हैं करके। मतलब ये है कि आपका जो डेटा है पूरा मर्ज हो गया है, लेकिन आपका जो ये जो जहाँ पर था डेटा वहीं पर रहेगा, ठीक है। उसके बाद है मर्ज सेल, पर हम करते हैं कंट्रोल जेड, ठीक है। इस तरह से फिर करते हैं हम मर्ज सेल, ये सेल मर्ज हो गया लेकिन डेटा वहीं रहेगा। हमको करना है अनमर्ज, तो अनमर्ज आप कर सकते हैं। इस तरह से ये काम है मर्ज एंड सेंटर का, यानी कि आप कोई चीज़ को भी मर्ज कर सकते हैं, फिर उसको अनमर्ज भी कर सकते हैं, और सेंटर पर भी कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप आसानी से मर्ज और अनमर्ज कर सकते हैं डेटा को। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, कुछ बेसिक देख लेते हैं फॉर्मूला, जो कि आपको बहुत काम आएगा ये सब चीज़, क्योंकि ये हर जगह यूज होता है। मान लीजिए को आपको सम करना है ये सारे डेटा को, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये सब को करेंगे सेलेक्ट, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा करेंगे यहाँ पर सेल को, यहाँ पर करेंगे ऑटो सम, मेरा ऑटोमेटिक तुरंत ऐड हो जाएगा फटाक से, ठीक है। और मैंने इसके पहले एक वीडियो भी अपलोड कर दिया है कि ऑटो सम कैसे करेंगे फटाक से। तो आपको क्या करना है, ये पूरा को सिलेक्ट करना है, क्योंकि आपको सब में सम चाहिए, और दबाना है आपको अल्ट इक्वल टू। ज़बरदस्त ट्रिक है फ्रेंड्स, मैंने इस पर एक अलग से वीडियो बना दिया, आप नहीं देखे तो जाकर देख सकते हैं, मैंने उसका एक अलग से बना दिया है प्ले लिस्ट एक्सेल ट्यूटोरियल का, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से एवरेज है, ठीक है फ्रेंड्स। तो एवरेज कैसे निकालना है आपको, इसका भी यहाँ सब कुछ दिया हुआ है, यहाँ से आप फटाफट आ सकते हैं। सम, एवरेज, काउंट, मैक्सिमम, मिनिमम, ये सब जो है बहुत ज़बरदस्त है और बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। इसी मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि डेटा एंट्री में आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर हेल्प होगा। तो एवरेज के लिए क्या करना है आपको, इक्वल टू ए वी ई एवरेज ब्रैकेट ओपन, आपको ये जो जितने भी आपको यहाँ पर सब्जेक्ट है उसको करना है सेलेक्ट, सेल को ब्रैकेट बंद, और इंटर मारना है आपको जो है ये पांचों सब्जेक्ट का मिलाकर इतना बनता है एवरेज, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं। मिनिमम क्या करना है आपको, ये पांचों सब्जेक्ट में सबसे मिनिमम क्या है वो करना है आपको। आप यहाँ से भी आकर डायरेक्ट कर सकते हैं या फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, इक्वल टू एम आई एन और ब्रैकेट ओपन करना है आपको, सेलेक्ट करना है पूरे एरे को ब्रैकेट क्लोज, और इन सबसे जो कम है वो 45 है, इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैक्स क्या करना है आपको, इक्वल टू एम ए एक्स ब्रैकेट ओपन, सेलेक्ट करना है डेटा को, ब्रैकेट क्लोज बंद इस तरह से करना है, इक्वल टू
काउंट, ठीक है, ब्रैकेट ओपन, इसमें से आपको काउंट करना है कि कितना, मान लीजिए सब्जेक्ट बहुत ज्यादा है आपको काउंट नहीं कर सकते हैं, यहाँ तो कम है तो 5 तो गिन दिया आपने, बहुत ज्यादा है तो क्या करेंगे आप, तो इस तरह से करेंगे, ब्रैकेट बंद, देखिएगा यहाँ पर कुल कितना है, 1 2 3 4, यानी कि ये सेल को काउंट करता है, ठीक है, सेल को काउंट करता है। आपको दिखाते हैं एक मैजिक, चलिए हम यहाँ पर जो डेटा लिए हैं यहाँ से हम लेते हैं डेटा पूरा, मान लीजिए यहाँ पर कितना सेल में डेटा है पूरा, मान लीजिए ले लिए यहाँ तक, देखिएगा आपको, और यहाँ पर इंटर मारते हैं कुल कितना है, 54 है, ठीक है। इस तरह से आप आसानी से कर सकते हैं अपने हिसाब से जितना भी आपको करना है, ठीक है, काउंट का आप यूज देख लिए। तो फ्रेंड्स इसके बाद आपको क्या करना है, मान लीजिए कहीं कहीं पर बहुत सारा डेटा, मान लीजिए एक चीज दिखाता हूँ आपको, मान लीजिए बीच में फ्रेंड्स यहाँ पर डेटा बहुत बड़ा है, ठीक है, और कहीं कहीं पर क्या है कि मेरा पूरा पूरा सेल खाली है, नहीं रो खाली है, ये डेटा बहुत बड़ा है, और आपको क्या करना है कि उसको सेलेक्ट करके हटाना है, तो आप क्या करेंगे, एक एक करके सेलेक्ट करेंगे रो को, या कहीं सेल खाली है उसको, ठीक है, आप क्या करेंगे फिर उसको रो को हटाएंगे या कॉलम को हटाएंगे या सेल को हटाएंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है, आपको सिंपल सा एक फॉर्मूला है, आपको सेलेक्ट करना है ये पूरा डेटा, ठीक है, यहाँ तक मान लीजिए जितना सेल है ये ब्लैंक वाला, इसको भी ले लेगा, इसको हम पहले हटा दे रहे हैं, सेलेक्ट किए इसको पूरा को डेटा को, उसके बाद कंट्रोल जी प्रेस करेंगे, ये ऑप्शन आएगा, उसके बाद आना है स्पेशल में, ठीक है, आपको आना है ब्लैंक में, क्योंकि हमको सिर्फ ब्लैंक को करना है सेलेक्ट और करना है ओके, तो आपको जितना फ्रेंड्स यहाँ पर ब्लैक है, आपको ब्लैंक है वो आपको सेलेक्ट हो चुका है, एक्चुअली यहाँ पर क्या है कि मेरा कलर है, इस वजह से आपको समझ नहीं आ रहा है, लेकिन ये मेरा जो डेटा है इसे रो सेलेक्ट हो गया है, अब क्या करेंगे हम उसको करेंगे यहाँ से डिलीट, ठीक है, डिलीट, देखिएगा अब यहाँ पर बोल रहा है कि आप किसको करना चाहते हैं डिलीट, ठीक है, शिफ्ट सेल लेफ्ट, शिफ्ट सेल अप, इंटायर रो, यानी जो जो मैंने सेलेक्ट किया है सारे रो को या कॉलम को, अगर आपका कॉलम खाली है तो कॉलम कर देगा, हमको रो करना है, रो पे हम क्लिक करेंगे, देखिए मेरा जहाँ खाली सब हट जाए, हट जाएगा, देखिए फ्रेंड्स कितना जबरदस्त तरीका से वो हट चुका है, यानी जहाँ जहाँ पर खाली था सबको हटा दिया है, ठीक है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जो ऊपर का मेरा जो हेडिंग है वो क्यों हटाया, क्यों हटाया फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने यहाँ पर दो सेल को मर्ज करके एक यहाँ पर सेल बनाया है नाम इस तरह का, इसलिए ये वाला पूरे को हटा दिया था, ठीक है, यानी इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, जो भी ब्लैंक सेल है, ब्लैंक रो है या ब्लैंक कॉलम है, आप एक बार में अगर लाखों करोड़ों संख्या में अगर डेटा है आपका, तो इस तरह से आप ब्लैंक सेल को सेलेक्ट करके जो चाहे आप कर सकते हैं, चाहे उसको कलर कर सकते हैं, रंगीन कर सकते हैं, या कुछ भी कर सकते हैं जबरदस्त तरीके से, ठीक है, बहुत अच्छा यहाँ पर ट्रिक है ये ब्लैंक वाला, ये भी आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स आगे चलते हैं और देखते हैं हम यहाँ पर कुछ फॉर्मेटिंग वगैरह, ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा करना है तो यहाँ से आ सकते हैं आप, थोड़ा सा क्योंकि डेटा बड़ा रहेगा यहाँ पर, उसके बाद इसको हमको डेटा को आउटसाइड बॉर्डर करना है, उसके बाद हमको यहाँ पर क्या करना है देना है कलर, मान लीजिए दे दिए येलो कलर दे दिए, इस तरह से आप फॉर्मेटिंग आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स एक चीज़ यहाँ पर क्या है, फॉर्मेट पॉइंटर का मैंने कल आपको बता दिया है, ये फॉर्मेट पॉइंटर का काम क्या है, आप कोई भी अगर आपका पहले से किया हुआ है आप चाहते हैं सेम चीज़ तो कर सकते हैं, ठीक है, मान लीजिए आप यहाँ पर एक नया बनाया है, कोई भी हेडर यहाँ पर नाम दिए हैं, डेटाबेस, ठीक है, आप चाहते हैं कि सेम यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर किया है कंडीशन सेम सब कुछ आ जाए, मान लीजिए इसको हम करते हैं थोड़ा सा इटालिक और अंडरलाइन, ठीक है, सब कुछ कर दिए, हम चाहते हैं कि सेम यहाँ पर इसमें आ जाए, अब क्या करेंगे इसको फिर से करेंगे सेलेक्ट, इसको करेंगे यहाँ पर कलर आई, अंडरलाइन नहीं करना है आपको,
आप सिंपल से इस सेल में आना है, जो करना है फॉर्मेट पेंटर, और यहाँ पर लाके आपको क्लिक कर देना है। एकदम जो इसमें था, इटालिक था, अंडरलाइन था, सारा इसमें आपको वो अप्लाई हो जाएगा। इतना जबरदस्त ट्रिक है ये फॉर्मेट पेंटर का। ये एक बार हो गया तो ये खत्म हो जाता है, क्योंकि मैंने एक बार क्लिक किया था। अगर मैं चाहूँ इसको यहाँ पर एक बार इसको क्लिक किया, यहाँ पर अगर करूँ क्लिक करूँगा डबल दो बार, तो ये मेरा जब तक मैं इसको क्लियर नहीं करूँगा ये मेरा काम करता रहेगा। ठीक है, अगर एक बार करेंगे क्लिक तो एक बार करेगा, और डबल क्लिक करेंगे तो मेरा सेलेक्ट ही रहेगा जब तक कि इसमें दोबारा क्लिक नहीं करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको फॉर्मेट प्रिंटर का भी यूज़ समझ में आ गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप आसानी से इतने काम कर सकते हैं डेटा एंट्री में, बहुत सारे काम। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अब चलते हैं डेटा फॉर्मेटिंग पे और कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे। ठीक है, ये सब तो जो है डेटा फॉर्मेटिंग ही कराता है, इन्हें आपको इसको कितना अच्छा से इसको सजा सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं इस तरह से, कलर वगैरह, डिजाइन वगैरह। ठीक है, ये सब समझ में आ गया होगा आपको। और फ्रेंड्स यहाँ पर जो है, अब चलते हैं इसमें, जैसे कि मैंने यहाँ पर देख रहे हैं आप हरा और ये लाल, मैंने यहाँ पर लगाया है कंडीशन। ठीक है, मैंने यहाँ पर कंडीशन लगाया है कि अगर 33 से नीचे है तो वो फेल है, और उसका कलर जो है हमको लाल चाहिए। वही हो चुका, देखिए यहाँ पर 33 से नीचे है, देखिए जो 33 है वो पास है, उसको रेड नहीं किया, लेकिन जो 33 से नीचे है उसको रेड कर दिया है। और मैंने यहाँ पर लिया है कि जो 75 से ऊपर है, ठीक है, वो जो है डिस्टिंक्शन मार्क है, उसको ग्रीन कर दिया जाए। देखिए जितने भी 75 प्लस मार्क्स है उनको ग्रीन कर दिया है। ये कैसे आप कर सकते हैं मैं आपको दिखाता हूँ करके। जैसे यहाँ पर 34 है, यहाँ पर हम करते हैं 22, देखिए यहाँ पर ये रेड हो जाएगा। ठीक है, देखिए 44 है, इसको हम करते हैं 85, देखिए ये ग्रीन हो गया। तो इसको हम कैसे किए, जबरदस्त ट्रिक है फ्रेंड्स। मान लीजिए आपका बॉस या कहीं काम कर रहे हैं, बोल दें आप कि मुझे ये लगा दो कंडीशन, जहाँ पर ये वैल्यू है तो ये लाल हो जाए, ये वैल्यू तो हरा हो जाए, तो आप क्या करेंगे, चलिए हम उस पर करते हैं। पहले इसको हम करते हैं क्लियर, ताकि आपको शुरू से हम करके बता सकें। ठीक है, क्लियर रूल कहाँ से कर सकते हैं आप, एक जो भी आप सेलेक्ट किए हैं उस सेल को या इंटायर शीट को, आप पूरे शीट को करते हैं। चलिए सब कुछ मेरा हट चुका है, कंट्रोल सेव मारते हैं। चलिए अब हम लगाते हैं कंडीशन। ठीक है, पहले हम इसको करते हैं सेलेक्ट, ठीक है, क्योंकि हमको इसी पे काम करना है, इस डेटा पे। उसके बाद आपको आना है होम टैब में ही कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे। ठीक है, ये बहुत ज़बरदस्त ट्रिक है फ्रेंड्स, इसको सीख लीजिएगा, बहुत काम आएगा। इस पर क्लिक करना है, हाईलाइट सेल्स रूल्स, हमको जो है इसमें रूल्स क्या लगाना है, हाईलाइट सेल वाला। उसके बाद यहाँ देखिए बहुत सारे ऑप्शन है, ग्रेटर देन, लेस देन, इस तरह से आप इक्वल टू, बिटवीन, जो चाहे आप लगा सकते हैं। डुप्लीकेट वैल्यू है तो उसको आप कर सकते हैं, यहाँ पर कंडीशन वगैरह बहुत सारा डेटा टेक्स्ट है। ठीक है, तो हम चलिए लेते हैं पहले यहाँ पर ग्रेटर, सॉरी हम पहले लेते हैं लेस देन। तो जैसे ही क्लिक कीजिएगा यहाँ पर आपका आ जाएगा इस तरह का डायलॉग बॉक्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मांग रहा है डेटा, चलिए हम यहाँ पर देते हैं डेटा लेस देन। तो पहले से क्या हुआ है वो फॉर्मूला लगा हुआ, आपको उसका साइन नहीं देना है। हम चलिए करते हैं 33, यानी कि ये 33 आपका नहीं लेगा। ठीक है, क्योंकि हम लेस देन बोल रहे हैं, मतलब 33 से कम। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर अभी हम इंटर भी नहीं किए, यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ पर अप्लाई हो चुका है। ठीक है, अगर हम करते हैं यहाँ पर 50, देखिए यहाँ पर 50 वाला जितना है मेरा अप्लाई हो चुका है इस तरह से। तो जो जनरली होता है कि 33 में पास होता है, तो हम 33 ही लेते हैं, उससे जो नीचे है वो फेल हो जाए और वो उसका कलर जो है वो लाल हो जाए। और यहाँ पर आप चाहते हैं कि कलर कौन सा हो, ठीक है, चलिए हम लेते हैं यहाँ पर लाइट रेड फील, एकदम लेते हैं हम लाल, और यहाँ पर ओके करते हैं। देखिए हम फ्रेंड्स यहाँ पर रेड फील हो चुका है, ये इसका कलर यही है। ठीक है, अब दोबारा लगाते हैं कंडीशन क्या, हम चलिए यहाँ पर लगाते हैं कंडीशन हम कि, कंडीशनल फॉर्मेटिंग आते हैं, हाईलाइट सेल्स रूल्स, और यहाँ लगाते हैं हम ग्रेटर देन, क्या कि अगर 75 से बड़ा हो तो वो क्या हो जाए, वो आपका येलो डार्क हो जाए या ग्रीन हो जाए। ओके करते हैं। देखिए फ्रेंड्स जो मेरा 75 से बड़ा था मेरा वो ग्रीन हो चुका है, और जो मेरा 33 से कम है वो मेरा रेड हो चुका है। ठीक है, ये आपका अप्लाई हो चुका है इस पूरा फॉर्मेट पे। अब जहाँ पे चेंज कीजिएगा, मान लीजिए हम करते हैं यहाँ पर 33 है, हम करते हैं 32, देखिए यहाँ पर रेड हो गया है। यहाँ पर 56 है, इसको हम करते हैं 86, देखिए यहाँ पर ग्रीन हो गया है।
जबरदस्त ठीक है फ्रेंड्स, ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इसको आप लोग अप्लाई जरूर कीजिएगा, इसको आप लोग जरूर एक बार कीजिएगा अपने से, ठीक है। और इसको क्या करना है, आपको हटाना है तो करना है सेलेक्ट, अभी मैंने आपको दिखाया ही, यहीं पर आना है हाईलाइट सेल्स रूल्स, और यहाँ पर सॉरी यहाँ पर नहीं आना, यहीं पर आ जाएगा आपको क्लियर क्लियर रूल्स, और यहाँ पर आना है सिलेक्टेड, जो ना आपने आपने जो अगर सेलेक्ट किया है सिलेक्ट रूल, नहीं किया तो इंटायर सीट पे पूरा कहीं भी रहे वो हट जाए, ठीक है। इस तरह से आप अप्लाई भी कर सकते हैं और हटा भी सकते हैं। तो यहाँ पर आपने सीख लिया डेटा फॉर्मेटिंग और यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, अब दिखाते हैं आपको डेटा सॉर्टिंग, ठीक है। डेटा को आप सॉर्ट कैसे कर सकते हैं, आपको यहाँ पर लगाना है फिल्टर। फिल्टर आप कहाँ से लगाएंगे, फिल्टर आपको लगाएंगे कि आपको आना है यहाँ पर जो है, आप यहाँ से भी लगा सकते हैं होम से भी, यहाँ देख रहे हैं आप फिल्टर, ठीक है, यहाँ से भी कर सकते हैं फिल्टर, या ए टू जेड, या इसको बोलते हैं सॉर्ट। पहले हम दिखाते हैं फिल्टर का, तब बताएंगे ए टू जेड का सॉर्ट क्या होता है, ठीक है। फिल्टर यहाँ से भी लगा सकते हैं, या फिर आप आइएगा डेटा टैब पे और यहाँ पर फिल्टर अप्लाई कर दीजिएगा, या देखिए एक टिप का जो यहाँ पर निशान है वो आ जाएगा, इसको बोलते हैं फिल्टर, क्योंकि हम लोग फिल्टर करते हैं कोई चीज़ टिप से ही करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए कोई चीज़, चलिए हम सेम डाल देते हैं यहाँ पर, सेवन क्लास, तो आपको सब समझ में आएगा सेवन, ठीक है। यहाँ पर डाल देते हैं फाइव फाइव फाइव, मान लीजिए आपको सेलेक्ट करना है कि क्लास फाइव का कितना स्टूडेंट है, ठीक है। देखिए क्या काम है इसका फिल्टर का, इसको अनबॉक्स करेंगे नहीं अनचेक करेंगे, क्लास फाइव, और यहाँ पर ओके, तो क्लास फाइव में मेरा पांच स्टूडेंट है, ये नाम है, ये उसका पूरा डेटा है। इस तरह से ये काम है फिल्टर का, मैं आपको एक हल्का फुल्का बता रहा हूँ, बाकी तो आप लोग इसको बड़ा बड़ा जब डेटा में काम कीजिएगा तो बहुत मजा आएगा काम करने में। क्लास सेवन का कितना है, चलिए देख लेते हैं, ये तीन है। इस तरह से आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं, ये कोई भी सेल में आप कर सकते हैं, ठीक है। मुझे देखना है कि एवरेज 55 वाला कितना है, टू कितना है, ये सब तो अलग अलग है, यानी अगर सेम रहेगा तो आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अगर सेम नाम रहा तो नाम से भी कर सकते हैं आप अप्लाई, नहीं फिल्टर का यही काम है। अब चलते हैं सॉर्टिंग पे, सॉर्ट क्या करता है इसको, जैसे कि यहाँ पर ASD इस तरह से है, आप चाहते हैं कि जो अल्फाबेटिकली है उस तरह से मेरा सॉर्ट होके आ जाए, इसको हम करेंगे सेलेक्ट और हम आएंगे सॉर्ट पे। आप यहाँ से भी आ सकते हैं या होम से भी आ सकते हैं, जो मैंने आपको दिखाया था पहले, ए टू जेड, यानी कि पहला ए बी सी डी इस तरह से होगा, या चाहते हैं आप जेड टू, यानी कि जेड के अनुसार होगा, आपको जेड से ए तक होगा, यानी बोलते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग, जो आप लोग पढ़ते हैं मैथ में उस तरह से, ठीक है। यानी कि बोलते हैं इसको लोएस्ट टू हाइस्ट या हाइस्ट टू लोएस्ट, ठीक है। अब चलिए हम पहले दिखाते हैं करके आपको ए टू जेड से, तो इस पर हम क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपको करने से पहले एक क्वेश्चन पूछेगा आपसे, यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा कि एक्सपेंड द सिलेक्शन, यानी क्या आप चाहते हैं कि सिर्फ ये वाला जो हो, तो इसके साथ में जो डेटा है वो भी चेंज हो, क्योंकि आदिल का ये सब डेटा है, ठीक है। आप तो चाहेंगे ही कि इसका अगर माल नाम नीचे आए, शाहिद का नाम नीचे आए, दानिश का नाम नीचे आए, उसका जो डेटा है वो भी चेंज हो, ठीक है। तो आपको एक्सपेंड द सिलेक्शन ही करना है, आप चाहते हैं सिर्फ हमको ये कॉलम को ही सॉर्ट करना है, ये सब सॉर्ट नहीं करना है, जरूरत नहीं है, तो आप कंटिन्यू विद द करेंट सिलेक्शन करेंगे, सिर्फ आपका ये वाला कॉलम सॉर्ट होगा, ये सब जो जहाँ है वहीं रह जाएगा। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है, आपको सारा डेटा चाहिए, क्योंकि तो इसका जो डेटा है उसके सामने ही हो, तो आप इसी पर रहने दीजिएगा एक्सपेंड द सिलेक्शन और कीजिएगा सॉर्ट पे क्लिक। तो देखिए जिसका जो डेटा था वो ऑटोमेटिक सब ये सेट हो चुका है ए के अनुसार, ठीक है। सेम चीज यही कंडीशन है आपका जेड टू एम में, देखिएगा इस पर क्लिक करेंगे और एक्सपेंड द सिलेक्शन सॉर्ट, जो मेरा उल्टा था एस सबसे यहाँ पर ज़्यादा यहाँ पर उल्टा है तो उसको पहले ले लिया है, और ए को यहाँ पर देखिए लास्ट में लिया है, जो ए से। इस तरह से आप फिल्टर और सॉर्टिंग आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने आपको बहुत सारी चीज़ सिखाई इस पार्ट टू वाले वीडियो में, रैप टेक्स्ट, मर्ज सेल, फ्रीज पेन कैसे कर सकते हैं, ट्रांसपोज आगे बताने वाला हूँ ये छूट गया है, और यहाँ पर जो है बेसिक फॉर्मूला बताया आपको, डेटा फॉर्मेटिंग बताया, सॉर्ट एंड फिल्टर बताया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या है, ठीक है। उसके बाद आपको दिखा रहा हूँ मैं एक चीज़ और, मान लीजिए कि यहाँ देखिए कोई चीज़, यहाँ पर देखिए ये आपका सेल, ये जो कॉलम है सेल वाला, ये थोड़ा सा बड़ा है, ये छोटा है, ये छोटा है, आप चाहते हैं कि सब एक साइज का हो, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर,
तो इसके लिए आपको बता रहा हूँ बहुत से अच्छा यहाँ पर तरीका है। तो फ्रेंड्स इसमें क्या करना है कि आपको ये पूरा को कर लेना है सेलेक्ट, आपको जहाँ भी चाहिए जितना सेल चाहिए जितना रो चाहिए उतना सेट कर लेना है। आपको आना है होम टैब में और आना है फॉर्मेट में, ठीक है फॉर्मेट में। उसके बाद आपको रो का साइज बढ़ाना है कि कॉलम का साइज बढ़ाना है, ठीक है। तो आपको दिखाते हैं पहले करके हम रो का हाइट, ठीक है। ये जो हाइट है फ्रेंड्स ये बढ़ेगा, देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए हम करते हैं मान लीजिए 15 चाहिए मुझे, देखिएगा सब एकदम एक साइज का हो जाएगा, ठीक है सब एक साइज का हो गया। ये थोड़ा देखने में अजीब लग रहा है, बहुत ज़्यादा छोटा हो गया। तो यहाँ पर आएंगे हम, तो यहाँ 15 नहीं मुझे चाहिए 25, और ओके करेंगे। देखिए यहाँ पर सब एक साइज का हो गया है, ये वाला ये ठीक है। इसको देखिए इसको बोलते हैं रो, क्योंकि मैंने अभी रो सेटिंग किया है। अब हम दिखाते हैं करके आपको, ये वाले हल्का छुप गया है, इसको आप चाहे तो बड़ा भी कर सकते हैं, और 25 में काम नहीं हो रहा है तो 30 कर दीजिए, ठीक है 30 में काम नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा इसको और बड़ा कर दीजिए 35 कर दीजिए। देखिए यहाँ पे आ गया है, ठीक है इस तरह से कर सकते हैं। उसके बाद अब चलते हैं हम किस पे, कॉलम पे, ठीक है। सेम आएंगे फॉर्मेट पे, कॉलम विथ, ये था रो विथ, अब आएंगे कॉलम विथ, ठीक है। हमको कॉलम पर देखिए कोई छोटा बड़ा इस तरह से हमको चाहिए एक साइज का, मान लीजिए हम करते हैं 20, देखिएगा सब एक साइज का हो गया है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, तो अपने हिसाब से आप छोटा कर दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। 10 करते हैं, देखिए सब एक साइज का हो गया। यानी इस तरह से आप आसानी से एक बार में पूरे रो को या कॉलम को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं अपना डेटा को, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा ट्रिक है ये सब, आप ये सीख अगर सीखे हुए रहेंगे तो आपको डेटा एंट्री करने में बहुत ही आसानी होगी। और मैं आपके लिए स्पेशली ये स्पेशल वीडियो लाया हूँ, फर्स्ट और पार्ट 2 दोनों आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट मेरा बच गया है वो है ट्रांसपोज। क्या है मतलब इसको, चलिए देख लेते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर जो मेरा डेटा है वो आपका हॉरिजॉन्टल में है, ठीक है। आपको करना है सेम डेटा को वर्टिकल, तो आप क्या करेंगे शुरू से टाइप करेंगे कि स्कूल स्टूडेंट डेटा नेम क्लास नाम आपको सब्जेक्ट किया है पूरा पूरा, आपको कुछ नहीं करना है सिर्फ एक ट्रिक आजमाना है, ठीक है। हम क्या करेंगे पूरे डेटा को करेंगे सेलेक्ट, कंट्रोल सी से करेंगे कॉपी। ये आपको देख रहे हैं चारों बगल लाइनिंग हो गया, मतलब आपका कॉपी डेटा हो गया है, ये पहचान है। उसके बाद आपको जहाँ भी चाहिए मान लीजिए सेम चाहिए इस शीट में या चाहिए आपको अलग शीट में, तो वहाँ भी आ सकते हैं आप, ठीक है। चलिए आपको हम दिखाते हैं सामने में ये करके। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आने के बाद राइट क्लिक करना है, आना है पेस्ट स्पेशल में, ठीक है। ये आपका अगर 7 में है 10th में है तो आप इस तरह से आ सकते हैं। मेरा जो है वर्जन 16 है, ये सॉरी 19 है, ये मेरा ऑप्शन दिया गया है पेस्ट का, और यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है ट्रांसपोज का, ठीक है ट्रांसपोज। देखिए यहाँ पर मेरा ऑटोमेटिक दिखा दिया, ठीक है। लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ आपके हिसाब से, यहाँ पर करना है क्लिक, आना है आपको पेस्ट स्पेशल में, और यहाँ पर एक इस तरह का ओपन होगा डायलॉग बॉक्स, यहाँ पे आना है आपको ट्रांसपोज पे टिक कर देना है और यहाँ कर देना है ओके। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो है डेटा मेरा आ चुका है, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि आपको दिखे एक पेज में, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये मेरा था डेटा हॉरिजॉन्टल, ये मेरा आ चुका है आपका वर्टिकल में, ठीक है वर्टिकल में आ चुका है। यानी कि स्कूल स्टूडेंट डेटा मेरा इस तरह हो चुका है, ये देखिए जो मेरा नाम था नाम मेरा इस तरह से आ चुका है ये नाम का, और जो था मेरा ये हॉरिजॉन्टल पूरा नाम क्लास सब्जेक्ट वगैरह सब मेरा इस तरह से आ गया है। यानी आप कोई भी डेटा को हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल, वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल अप्लाई कर सकते हैं ट्रांसपोज फॉर्मूला से। और मैंने इस पे जो है स्पेशल एक वीडियो बना दिया है और बहुत सारे आपको फॉर्मूला देके समझाया है अलग अलग एग्जाम्पल देके, आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं, ठीक है मेरे चैनल पे अवेलेबल है। और फ्रेंड्स इस तरह से आप आसानी से कर सकते हैं। मान लीजिए ये डेटा अगर ये बड़ा हो गया, देखिए आपका दिखा रहे हैं आपको यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे आके आप अपने हिसाब से इसको वर्टिकल भी कर सकते हैं, एंगल क्लॉकवाइज कर सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज कर सकते हैं। चलिए हम दिखाते हैं करके आपको इस तरह से डेटा आपको इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब बहुत ज़्यादा ट्रिक है फ्रेंड्स जो कि आप डेटा एंट्री में यूज कर सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स एक्सेल में तो बहुत ज़्यादा चीज़ है, मैं अगर बताऊंगा तो एक्सेल खत्म नहीं होगा, लेकिन मेरा जो है यहाँ पर पूरा डेटा खत्म हो जाएगा और सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक्सेल बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, इसमें एक दिन में कोई वीडियो बना ही नहीं सकता सबके बारे में। तो धीरे धीरे मैं आपके लिए इस तरह के वीडियो लाता रहूंगा। उम्मीद करता हूँ कि ये 2 वीडियो में आपको लगभग पूरी जानकारी मिल गई होगी डेटा एंट्री की। तो
तो फ्रेंड्स हमारा वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक हमारे चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे भी आपको इस तरह के धांसू वीडियो मिलते रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो कमेंट जरूर कीजिएगा आपको हमारा ये सीरीज कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।